उमज्ञानतिमिरन्धस्य जनञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस श्लोक को आप पहले पढ़ चुके हो क्या? इसी बार पहली बार पढ़ रहे? ये श्लोक बहुत ही फंडामेंटल श्लोक है, मूलभूत, इसको हम कहते हैं ना ए बी सी डी। और ये दूसरे अध्याय में कहा गया है। पहले अध्याय में क्या हो रहा है? पहले अध्याय में केवल अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन ही बोल रहे हैं। और जब तक अर्जुन बोल रहे हैं तब तक भगवान शांत हैं, क्योंकि दो व्यक्ति एक साथ बोल नहीं सकते हैं, है ना? एक ही व्यक्ति बोल सकता है, या तो पत्नी या तो पति, दोनों साथ में बोलेंगे तो फिर कौन सुनेगा। उसी तरह से जब तक अर्जुन का प्याला खाली नहीं हुआ है तब तक भगवान उसमें कुछ डाल नहीं सकते, इसलिए वो रुके आराम से। जब इनका सब कुछ खाली हो गया और बोले अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता है, और जो बोल दिया मैंने वो भी मैं कंफ्यूज हूँ उसके बारे में, सही बोला कि गलत बोला, और अभी मैं इतना भ्रमित हो गया हूँ कि क्या सच है क्या नहीं सच है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शिष्यस्ते हम स्यादि माम त्वाम प्रपन्नम, अभी इस कारण मैं दोस्ती वोस्ती का रिश्ता छोड़ के आपका शिष्य बनने जा रहा हूँ, आप भी दोस्ती छोड़ के मेरा गुरु बनो और मुझे उपदेश करो, तब मेरा कल्याण हो सकता है। मतलब पूरा बुद्धि के द्वारा, शास्त्र के द्वारा उन्होंने आर्गुमेंट किया था। ऐसा नहीं कि वो ऐसे इतने ऊँचे व्यक्ति थे, वो इतने प्रगल्भ इतने बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति थे, आर्य कुल के थे, तो जो भी उन्होंने बताया वैसे कुछ लूज आर्गुमेंट नहीं थे, वो शास्त्रोक्त थे। फिर भी देह भाव में रहते हुए जब कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो वो उसके लिए भी और लोगों के लिए भी बहुत कंफ्यूजिंग होता है। क्यों? देह भाव, आत्मदेह भाव बोलते हैं उसको, यानी कि मैं हूँ और मैं ये शरीर हूँ। इस भाव में रहते हुए अगर बहुत ज्ञान की बातें भी करेंगे ना तो भी वो हवा में ही रहेंगी। समझ में आता है आपको हवा में रहने का मतलब क्या होता है? वो ग्राउंड रियलिटी को टच नहीं कर सकते, वो केवल सिद्धांत एक स्तर पर, व्यवहार एक स्तर पर। जब व्यावहारिक स्तर पर आप बात करेंगे तो वो उसको व्यवहार में उतार सकते हैं, लेकिन देह भाव जो है ना, देह भाव का मतलब क्या होता है? अपने आप को शरीर समझना, अपने आप को उस भाव से आसक्त रखना, मेरा शरीर, मेरा शरीर के साथ जो संबंधी चीज़ें हैं, मेरा परिवार है, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरी इज्जत, मेरा अधिकार, मेरा पोजीशन, मेरा देश, मेरा गांव, ये जो बातें हैं देह से संबंधित बातें ना, ये मैं भारतीय कब हूँ? जब मेरा शरीर भारत में जन्म लेगा तो भारतीय बनेगा। तो भारत के सारा संदर्भ जो है, ऑल द रिलेटिविटी ऑफ इंडिया बिकम माई रियलिटी, है ना? और मेरा शरीर अगर अमेरिका में जन्म हो गया तो मैं अमेरिकन बन जाऊंगा, तो वहाँ की जो भी रिलेटिविटी है वो मेरी रियलिटी बन जाएगी। ये स्थिति में जब हम कुछ बोलते हैं तो वो अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी हमेशा कन्फ्यूजिंग होता है। और वो जो आज मैं बोल रहा हूँ उस भाव में, वो कल तक टिक नहीं पाएगा, कल कुछ दूसरा विचार मन में आएगा। क्यों? क्योंकि जो शरीर और उसके संबंधित जो चीज़ें हैं वो टेम्पररी रहती हैं, स्थितियाँ बदल जाती हैं। हम लोग कुछ समय जो थे आज बदली हो गए हैं, आज जो हैं वो कल बदली हो जाएंगे। कुछ चीज़ यहाँ पर परमानेंट होती नहीं है। जब तक वो शरीर के स्तर पर होती है वो टेम्पररी होती है, इसलिए बदलती रहती है। और जो बदलता रहता है वो सत्य नहीं होता है, सत्य वो है जो शाश्वत रहता है। हर स्थिति में वो बदलता नहीं है, वैसे रहता है। आप बुढ़े हो जाएंगे फिर भी वैसा ही रहेगा, वो सत्य, हम बदलेंगे। तो उस सत्य के साथ में अगर हमको जुड़ना है तो हमको देह भाव से मुक्त होना पड़ेगा। यहाँ पर बैठ के ये वाक्य कहना बहुत आसान है, लेकिन देह भाव से मुक्त होना बहुत मुश्किल है। जैसे कोई होता ना कि हमारे कॉलेज में लोग ना कुर्सियों पर वो च्युइंगम रखा करते थे,
और फिर आदमी आगे बैठता था उसके ऊपर, फिर जब उठने का करते थे प्रयास तो उठ नहीं सकते थे, कुछ चिपका हुआ है, या तो कपड़ा फाड़ के उठो या तो कुछ करो अभी उसके लिए। तो अगर वो च्युइंगम 10 किलो का होगा समझो, और हम बैठ गए उसके ऊपर, तो क्या होगा हमारा? वैसे ही कुछ आसक्ति का होता है। एक बार आसक्ति चिपक गई तो वो च्युइंगम तो ठीक, फिर भी आप केमिकल से निकाल सकते हो, लेकिन ये नहीं निकल सकते। इसलिए भगवान ने सबसे पहले जो है ना इस प्रकार की बातें करना शुरू किया, ए बी सी डी, हु आर यू, आप कौन हो? तो बताया कि आप आत्मा हो, आप जो समझते हो नहीं हो, आप आत्मा हो। पहले समझना जरूरी है, कम से कम बुद्धि के स्तर पर क्यों ना हो, फिर व्यावहारिक स्तर पर बाद में समझेंगे, लेकिन पहले कम से कम बुद्धि के स्तर पर आपको स्वीकार करना होगा कि मैं आत्मा हूं। और उसके पहले आपको समझना होगा कि मैं जो समझता हूं वो नहीं हूं, मतलब मैं समझता हूं कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर नहीं हूं। प्रभुपाद के पास ना दो बहुत कुरूप दिखने वाली साउथ अफ्रीकन और बहुत मोटी दो लेडीज आ गई, जो यंग थी लेकिन बहुत मोटी थी बहुत, और सब लोग उनको देखते थे तो पहले उनको शरीर को देखते थे, कितना बड़ा शरीर है। तो प्रभुपाद के पास आए वो, और कैसा ना, मोटे लोगों का बहुत लोग निंदा करते हैं, हंसते हैं, उनको मजाक उड़ाते हैं, तो हर जगह पे उनको यही नजरें सहन करनी पड़ती लोगों की, क्योंकि वो उनको नहीं दिख रहे, उनको शरीर को ही देख रहे हैं। तो प्रभुपाद के पास आए और प्रभुपाद जी बोले, यू आर नॉट दिस बॉडी। आपने सुना मैंने क्या कहा? प्रभुपाद ने उनको बताया, यू आर नॉट दिस बिग बॉडीज, यू आर स्पिरिट सोल। तो उधर ही प्रभुपाद को सरेंडर हो गए वो। क्यों? क्योंकि पहली बार ऐसा व्यक्ति मिला जो मुझे हमें हमें अपने शरीर के आधार पर नहीं देख रहा है। और ओपनिंग स्टेटमेंट यह है कि दुनिया आपको आपके शरीर को देखकर ताने मारती होगी, लेकिन मैं आपके आत्मा को देख रहा हूं कि आप वो नहीं हो जो आप समझते हो, आप आत्मा हो, उस सुंदर कृष्ण के आप अंश हो, सुंदर अंश हो। तो वहीं वो भक्त बन गए, क्योंकि उनके जीवन में वो शरीर एक बड़ा ठम्बलिंग ब्लॉक था, एक बड़ा अवरोध था वो, किसी भी चीज में जहां जाओ वहां पर कह रहे मोटी आ रही है, मोटी आ रही है, मोटी देखो कितनी मोटी है, इस तरह से। तो सत्य से अवगत होना बहुत जरूरी है। और किसका शरीर बहुत सुंदर भी होगा तो उस पर गर्व करता है कि मैं इतना सुंदर हूं, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं इतने, मेरी आंखें इतनी सुंदर है, मेरे आप बाल इतने सुंदर है, मेरे सब कुछ सुंदर है मेरा। और वो भी एक प्रकार का बड़ा अवरोध है, क्योंकि उसी में अटके रहेंगे तो फिर आगे वही है ना, वो भी एक दिन नष्ट होने वाला है, या तो खराब होने वाला है, या तो बुढ़ा होने वाला है, या तो कुरूप होने वाला है ना। ये दहेज जो बात करें ना, दहिनोस्मिन, ये समझना इतना जरूरी है, इतना जरूरी है कि मुझे अभी वो मैरिलिन मनरो का एग्जाम्पल याद आ रहा है। आप में से कितने लोग जानते हैं मैरिलिन मनरो को? वो हमारे ना, हमारे बचपन की वो वर्ल्ड की सबसे टॉप हीरोइन थी, और उसकी सुंदरता इतनी 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 थी कि आम जनता नहीं, देश विदेश के राजा उसके पीछे थे विवाह करने के लिए। किंग्स ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रिंसेस ऑफ द वर्ल्ड वर बिहाइंड हर। और वो इतनी सुंदर थी कि एक दिन वो 40 ईयर्स की हो गई, और 40 साल की उम्र में उसके चेहरे पर पहली झुर्री प्रकट हुई, फर्स्ट रिंकल। उसके पहले बहुत मेहनत करके उसने संभाल कर रखा था, लेकिन उसको ध्यान में आया कि ये रिंकल जो है अभी परमानेंट है, उसको अभी कितना भी मेकअप करेंगे तो वो छुपेगी नहीं। तो फिर बहुत कोशिश किया, बहुत सारा किया, और एक झुर्री आई, और एक झुर्री आई, इस तरह से बहुत सारी झुर्रियाँ एक के बाद आने लगी, यू नो रिंकल्स। तो आप देखिए, इतनी वर्ल्ड फेमस थी वो, उसने बाहर जाना बंद कर दिया, क्योंकि अपने उस शरीर से, उस दर्शन से अपने इतनी आसक्त थी वो कि जनता मुझे अभी रिंकल्स के साथ देखेगी, इस विचार से वो त्रस्त हो गई। एंड शी स्टॉप्ड गोइंग आउट। अभी जब कोई चार दीवारी में अपने आप को बंद करता है तो क्या होता है, बताइए आप मुझे, व्हाट हैपन्स, टेल मी, क्या विचार है आपका, क्या होता है? डिप्रेशन में द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जब चार दीवारी में कोई आदमी बैठता है, बुद्धिमान से बुद्धिमान, एक्टिव से एक्टिव, अगर बैठ गया एक बार चार दीवारी में तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मन भ्रष्ट हो जाता है। और वैसे ही यथावकाश
अपने आप को छुपाते 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 एक दिन वो फुल डिप्रेशन में गई और उसने आत्महत्या कर ली। ये किसके वजह से हुआ? केवल अज्ञान की वजह से, केवल सत्य से परिचित न होने की वजह से वो आत्महत्या तक पहुंची। एक सो कॉल्ड तथाकथित यशस्वी जीवन भी उसने बर्बाद कर दिया अपने हाथों से, क्योंकि जीवन का सत्य लोगों को पता नहीं है तो उनकी ऐसी भयंकर अवस्था होती है। और बाकी लोग जो है वो जानते हैं कि मैं जो हूं वो रहने वाला नहीं हूं, बदलने वाला हूं। आज भी आप सब लोग बैठे, मैं बैठा हूं, आप सब लोग बैठे हैं, आप कल डिफरेंट थे, वो जो खेल रहे ना वैसे थे, आज आप डिफरेंट हो गए हैं। और वो खेलने वाले हैं तो कल ऐसे बैठेंगे यहां पर आके, और उनके बच्चे वहां खेलेंगे पीछे। और यही सत्य है, कुछ लोग हमारे ब्लैक दाढ़ी लेकर आप भी बैठे हुए हैं, अगले साल आऊंगा शायद व्हाइट दाढ़ी में आएंगे, हु नोज। और ये इस तरफ भी सत्य है भाई, इधर ही नहीं, इधर भी सत्य है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक इस, क्या कहते हैं उसको, इनएविटेबल, मतलब जो निश्चित है, जब तक इस निश्चित सत्य के बारे में हम अवगत नहीं है तो ऐसी दुख भरी हमारी अवस्था होगी जो उस मैरिलिन मनरो की हुई। और जिस व्यक्ति को उसका ज्ञान है वो ऐसे बदलाव से विचलित नहीं होता, दुखी नहीं होता, परेशान नहीं होता उससे, वो जानता है कि ये ऐसे ही है। कुछ भी करो आप, दुनिया में आज तक कॉस्मेटिक दुनिया में ऐसी कोई रिसर्च नहीं आई है जिससे आपके मुंह में रिंकल्स आना ही बंद हो जाएगा। और जो भी आया है बोटॉक्स के नाम से वो सब पॉइजन है और कैंसर का कारण है सब। मतलब क्या है, नहीं है उपाय, आप यहाँ वहाँ से हाथ मार रहे हो लेकिन होता हो कुछ नहीं रहा है। और अगर कुछ भी आपको नकली कुछ हो रहा है तो उसका परिणाम बहुत भयंकर है ना। और एक एग्जाम्पल आप सबको मालूम होगा, माइकल जैक्सन का, अरे बाप रे कितनी सर्जरी की उसने लाइफ में, पूरा नाक बदल दिया, पूरा सब कुछ बदल दिया, पूरा रंग बदल दिया, पूरा स्किन बदल दिया, क्या क्या नहीं किया उसने, अंजाम क्या हुआ, ऐसी मौत उसको मिली कि वो आप में से कोई भी लोग चाहेंगे नहीं कि ऐसी मौत होनी चाहिए। इतनी भयंकर मौत, इतनी भयंकर मौत कि एक भिखारी भी रस्ते का अच्छी मौत मरेगा, और एक जो जिसका एक पूरा बेट था, टापू, एक आइलैंड उसका था, इतना संपत्ति था, लेकिन ना कोई बीवी है, ना कोई भाई है, ना कोई बहन है, ना कोई बच्चा है, कुछ कोई कोई है ही नहीं, सब ऐसे स्वार्थी लोग आसपास भरे हुए थे। और उसमें से डॉक्टर ने एक ने उसको इंजेक्शन देके उसको ओवरडोज करके खत्म कर दिया। क्यों? अज्ञान, ओनली बिकॉज ऑफ अज्ञान। जीवन के सत्य के विषय में पता नहीं है क्या होने वाला है। और अगर आप लोगों को पता करना है कि स्पिरिचुअल लाइफ मतलब क्या है, कोई बता सकता है एक आदमी आपके, आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है, व्हाट इज स्पिरिचुअल लाइफ? टू रियलाइज योर सेल्फ, बराबर ना, एवरीबडी एग्रीज विद मी, सब लोग मंजूर है इस बात से? टू रियलाइज द सेल्फ मतलब सेल्फ के बारे में जो रियलिटी है उसको समझना, जैसे है वैसे, जैसा आप समझते वैसे नहीं, जैसे वो है वैसे समझना, मतलब स्पिरिचुअल लाइफ है। नथिंग बिग, हाँ, कोई सिद्धि विद्धि जादू वादू का काम नहीं इसके अंदर। सत्य को सत्य के रूप में ही समझना और वो सत्य के रूप में समझकर ही चलना, इसी को स्पिरिचुअल लाइफ कहते हैं। हम लोग सत्य को जैसा हमको लगता है वैसे समझते हैं और जैसा हमको लगता है वैसे ही चलते हैं। तो एक स्टेप हो गया गलत समझना, एक समझ हो गया गलत समझ के गलत ही चीज पर आगे बढ़ना, और आगे जो कार्य करेंगे वो जो वो थर्ड डिग्री फोर्थ डिग्री गलती हो जाएगी ना वो, क्योंकि शुरुआत ही गलत है उसकी। यही हमारा सबका जीवन है, जब तक वो सत्य के स्तर पर अवगत नहीं होता है तब तक केवल दुखी दुख होता है। वैसे मैरिलिन मनरो को कोई दुखी होने की जरूरत नहीं थी, अगर उसको पता होता कि भाई मैं भी बुढ़ी होने वाली हूं, ठीक है, एक्सेप्ट इट। जो एक्सेप्ट करते हैं वो सफेद बाल लेकर भी सेलिब्रिटी रहते हैं, दे आर स्टिल सेलिब्रिटी ओनली। दे बहुत, अभी अमिताभ बच्चन कैसे सफेद दाढ़ी लेकर घूमता है, दुनिया भर कॉपी करते हैं उसको लोगों की। कोई ऐसा नहीं है कि भाई अमिताभ बच्चन बुढ़ा कैसे होगा, ऐसा कोई परेशानी नहीं है, फाइन, इट्स ओके, लाइफ कंटिन्यूज। अभी भी मिंटिंग मनी, पहले भी मिंटिंग मनी, व्हाट्स द डिफरेंस।
केवल सत्य को एक्सेप्ट करना है आपको एज इट इज। तो यहां पर क्या बताया है, देही नोस्मिन यथा देहे कौमारम यवनम जरा। कौमारम माने बचपन की अवस्था में रहेगा, फिर युवा अवस्था में आएगा, फिर एक दिन बुढ़ा हो जाएगा, फिर अति बुढ़ा हो जाएगा, फिर एक दिन मर जाएगा। मरने के बाद में नया शरीर प्राप्त करेगा, फिर वही साइकिल है, बाल्यपन से युवावस्था में, वृद्ध अवस्था में, अति वृद्ध अवस्था में, मृत्यु की अवस्था में प्राप्त होकर फिर नया शरीर प्राप्त करेगा। ये न बदलने वाला साइकिल है। आप कितना भी कूदो, कितना भी हाथ पाँव झाड़ो, कुछ नहीं होने वाला है, यही सत्य है। कुछ भी करो, काल का प्रभाव किसी भी क्रिया से नष्ट नहीं हो सकता है। काल ऐसी वस्तु है जो धीरे धीरे, शनै ही धीरे धीरे क्यों ना हो, आपके पास, आप क्या समझते हो है आपके पास आज, वो सारा चीज वो छीन लेता है। और ऐसे छीनता है कि आपको एकदम झटका लगेगा नहीं, लेकिन धीरे 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 सब कुछ छीन लेगा आपसे, जो भी आपके पास लगता है। अभी थोड़ा एक चिंतन करो, मनन करो, क्या है मेरे पास। हाँ, मेरे शरीर है, ये है, वो है, पैसा है, फैमिली है, यहाँ का घर है, उधर का है, जो भी आप समझ रहे हो, वो सब काल जो है वो धीरे 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 आपसे छीनने वाला है। और उस छीनने से आपको कोई बचा नहीं सकता है। ये समझ में किसको आया ना, नंबर वन समझ में आया, और नंबर टू समझ में आया तो एक्सेप्ट किया, वो आदमी यशस्वी होता है जीवन में। वो बोट में चलते ना हम समुद्र में, हम लोग तो जब आप हवा की दिशा में चलते हो ना, तो आपको स्पीड मिलता है। आप उन हवा के खिलाफ जाना चाहोगे तो कभी वहीं रहोगे आप, कुछ भी करो, कितना भी एनर्जी, कितना भी पेट्रोल खर्च करो, और हवा की दिशा में अपना वो चेंज करोगे ना, तो वो एकदम गति से जाएगा। इसलिए बुद्धिमानी क्या है, काल के साथ चलो, काल के विरोध में मत चलो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काल के विरोध में चलना, मतलब वही स्किन ग्राफ्ट करना और बोटॉक्स लगाना, फिर बालों को काला करना, फिर ये करना, फिर वो करना, बहुत सारी चीज़ें करना जो प्रकृति के लिए अनुकूल नहीं है, काल के लिए भी अनुकूल नहीं है, जो आगे जाकर दुखा देने वाले आपको। तो आप कितना भी कोशिश करोगे, एक तो उसमें यश नहीं आएगा आपको, और आप भ्रम में रहोगे कि हाँ हाँ ऐसा करने से ऐसा ऐसा होगा, लेकिन वो भ्रम भी फूट जाएगा एक दिन, और सत्य आपके सामने आएगा, और ऐसा बहुत ऐसा खतरनाक रूप में सत्य सामने आएगा आपके कि ये नहीं हो सकता। तो ये एक्सेप्ट करना, इसी में बुद्धिमानी है। जैसे आप समझो कुछ चोरी किया है, तो मैंने प्रभु जी मुझे बता रहे थे कल चोरी किया है, अब आर्गुमेंट करेंगे 20 दिनार, और आर्गुमेंट करेंगे 40 दिनार, और आर्गुमेंट करेंगे 60 दिनार, ज़्यादा आर्गुमेंट करोगे 80 दिनार। बाजमला ठीक, ओके ओके फाइन फाइन, क्योंकि देना ही है आपको, आप आर्गुमेंट करके जीतने वाले हो ही नहीं। बेस्ट वे, पहले ही हाँ बोलता तो 20 डॉलर में काम हो जाता उसका, 20 दिनार में। तो क्या है, काल का प्रभाव ऐसे है, इस दिशा में है, आप कितना भी माथा फोड़ी करेंगे तो भी फिर भी आपको अपयश ही पीरने वाला है। तो बुद्धिमान क्या बोलेगा, अगर अपयश थोड़ा से भी पट जाता है तो हाँ बोल दो, निकल जाओ वहां से, नहीं तो रहो वहां पर 2 घंटे आर्गुमेंट करते करते 20, 60, 80, 120, 140 होता जाएगा, आपको जीत तो मिलने वाली नहीं है उसके अंदर। तो प्रॉब्लम किस में है, स्वीकार करने में प्रॉब्लम है। अरुण का वही प्रॉब्लम था, उसको टाइम लगा थोड़ा समझने के लिए, ये सब रिश्तेदार जो है वो सब शरीर के लिए संबंधित है, लेकिन दिव्य दृष्टि से देखा जाए, फ्रॉम हायर प्लेटफॉर्म इफ यू सी, ये सब मरने वाले हैं सब लोग, एवरीबॉडी इज गोइंग टू डाई वन डे। और मैं धर्म के पक्ष में खड़ा हूं, और धर्म के पक्ष में जब मैं खड़ा हूं और कुछ मेरा कर्तव्य करने जा रहा हूं, तो ये सब टेम्पररी बंधन में फंसने का कोई कारण नहीं उसके अंदर, तो उलझे ही रहेंगे। अभी कैसे उलझ गए, देखो आप सबको अपने ही समझ रहे हैं, ये भी मेरे ही है, ये भी मेरे ही, ये भी मेरे, ये भी मेरे, उसमें से आधे लोग इस तरह, मतलब दो पार्टी बन चुकी है, एक पार्टी अधर्म के पक्ष में, एक पार्टी धर्म के पक्ष में है। अभी आपको लड़ना है, लेकिन अज्ञान ऐसा है कि अरे ये भी मेरे, ये भी मेरे, तो क्या हो गया है, जो धनुष्य वर्ल्ड फेमस था और वो चलाने वाला भी वर्ल्ड फेमस था, उसके धनुष की आवाज सुनते ही इंद्र तक चौंक जाता था। वो क्या हो गया उसका, वो धनुष उसके हाथ से फिसल रहा है। फायदा क्या उसका, अगर आप उसको पकड़ सकते नहीं हो तो चला कैसे सकते हो, और वो जब इतना पूरा ट्रेनिंग लिया था चलाने का, वो आज कर ही सकते नहीं हो,
है ना। अभी आपने पूरा एग्जाम का पढ़ाई किया, आपका दिमाग पूरा रेडी है नॉलेज के साथ में, और आपको एंड में चक्कर आती है समझो, क्योंकि तो रात को आप सोए नहीं थे, खाना भी नहीं खाया था, तो आपका बीपी लो हो गया और उल्टी हो गया आपको और चक्कर आ गई, तो इतना सब पढ़ाई करके एग्जाम में लिख सकते क्या आप? वो सब नॉलेज भर के कहाँ रखा है दिमाग में, और दिमाग भी अभी आउट ऑफ फंक्शन हो गया है। तो सब कुछ होते हुए भी आप टॉप गोल्ड मेडलिस्ट टॉपर, सब कुछ आप प्रीलिम में भी आपने गोल्ड मेडल लाया हुआ है, टॉपर हो आप, लेकिन अगर वो जो दिमाग है जिसमें आपका नॉलेज भरा हुआ है वही अगर बेकार हो जाएगा तो उस समय वो आप 0 मार्क में बाहर आएंगे, गोल्ड मेडल तो भूल ही जाओ। तो अर्जुन की क्या अवस्था हुई? सब कुछ है उसके पास, लेकिन ये अज्ञान होने की वजह से वो इतना परेशान हो गया, वो कहता है मेरे रोम जो है वो कांप रहे हैं और हाथ पांव जल रहे हैं और धनुष फिसल रहा है, अब मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, गलित गात्र हो गया हूँ, मैं बैठ जाऊंगा अभी, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे अभी आप समझाओ क्या करना है। ऐसी अवस्था होती है अज्ञान की वजह से, यू गेट सो बिविल्डर्ड दैट यू डोंट नो व्हाट टू डू ओनली। बड़ा से बड़ा ज्ञानी व्यक्ति भी, बड़ा से बड़ा गोल्ड मेडल का व्यक्ति भी अगर एग्जाम के दिन कंफ्यूज हो गया समझो तो क्या कर सकता है वो, एवरीथिंग इज अ वेस्ट। तो अगर दिमाग सत्य के सर पर रहेगा ना, अवगत हमेशा इन रिलेशन विथ ट्रुथ, इन अलाइनमेंट विथ ट्रुथ रहेगा वो, तो वो हर समय यशस्वी रहेगा, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है। ऑप्टिमल बेस्ट परफॉर्मेंस कब दे सकता है? जब सत्य से अवगत रहेगा। आपको पता है कल एग्जाम है, आज रात को 8 घंटा सोना जरूरी है, तभी वो कल दिमाग का पासवर्ड खुलेगा। और रात को बोलेंगे ना आज तो पूरा पढ़ाई करना है, तो दिमाग का पासवर्ड कल चेंज हो जाएगा सुबह, और खुलेगा ही नहीं, वो कुछ याद ही नहीं आएगा। तो सत्य क्या है कि आज जितना पढ़ाई हुआ ना उतना करो और सो जाओ, ताकि सोओगे तो कल वो पासवर्ड से खुलकर आपका जो रिप्रोडक्शन है वो होगा और अच्छे मार्क मिलने की संभावना है। इसलिए मैं जब भी हरे कृष्णा में आया ना, तो एग्जाम के दिनों में हम लोग 8 घंटा सोते थे सब हमारे डिवोटीज डॉक्टर्स, तो बाकी लोग बोलते थे अरे बाप रे आप 8 घंटा सोते हो, तो बोला अभी क्या करें, जो हो गया वो हो गया, अभी सोना है, और जो अंदर अंदर गया है नॉलेज उसको बाहर निकालने के लिए 8 घंटा नींद आवश्यक है, इसलिए हम लोग आराम से सोते हैं, आराम से सोते हैं, फर्स्ट क्लास आके पेपर लेके आते हैं, और आप लोग उल्टियाँ करते हो वहाँ पर, आपको सर दर्द होता है, हेडेक होता है, क्या क्या होता है, रात भर परेशानी पढ़ाई करते रहते हो, इतना हैवी हेडेक में जाके पेपर क्या लिखेंगे आप? तो दिस इज रियलिटी विच यू हैव टू अंडरस्टैंड, कि आपका एक लिमिटेशन है, वो सत्य है। कि आप लिमिटेशन क्या है, किसी भी कीमत पर आपकी आयु आप बढ़ा नहीं सकते हो, किसी भी कीमत पर आप बुढ़ापा आने का जो स्पीड है उसको रोक नहीं सकते हो, किसी भी कीमत पर आपके बाल सफेद होने का जो क्रिया है उसको आप रोक नहीं सकते हो, किसी भी कीमत पर जो रोग आपको हो रहा है उसकी प्रक्रिया को आप रोक नहीं सकते हो, कितना भी आप कुछ भी करो, जब आपको बीमारी होना है हो ही जाएगा आपको, यू कांट इवन अवॉइड। हम सब जानते हैं, हमको सब मालूम है सिम्टम्स क्या है उसके वगैरह, लेकिन वो सिम्टम जाने के बाद भी हमको बुखार आता ही है, कितना भी प्रिवेंटिव मेडिसिन ले लो, जब बीमार पड़ना है आप बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे, जस्ट एक्सेप्ट। वही अर्जुन को बता रहे हैं, अरे जस्ट एक्सेप्ट, कि आप समझ रहे हो कि तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, गुरुजन हैं, पितामह हैं, सब बड़े बड़े लोग तुम्हारे तुम्हारे ही खुद के लोग हैं, लेकिन एक्सेप्ट करो कि आज वो तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं, और तुमको ज्यादा इमोशनली उधर रोना नहीं है बैठ के, जो भी सामने खड़ा है शत्रु के पक्ष में जाकर उसको आप बाण चलाना है उसके ऊपर, ये उसको एक्सेप्ट करने को मुश्किल हो रहा था। हाउ विल आई डू दिस, मैं कैसे करूंगा इसको, ये तकलीफ थी उसको, थोड़ा टाइम लगा उसको समझने में, लेकिन थोड़ा टाइम के बाद में उसने एक्सेप्ट कर लिया कि दिस इज हाउ इट इज। पहले धनुष उठाया था अपने हित के लिए कि मेरा बदला लेना है, मेरी वाइफ को ऐसा ऐसा किया था उसका बदला लेना है, और दूसरा मेरे को वनवास में भेजा था सब लोगों को उसका बदला लेना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, अपना एजेंडा लेके वो आया था, और अपना एजेंडा अपना नॉलेज लेकर जब खड़ा हो गया तो ये उसकी हालत हो गई, डाल दिया नीचे, फिर कुछ सुना भगवान से, फिर दोबारा धनुष को उठाया, लेकिन अभी एजेंडा बदले हो गया था पूरा, अभी अपने सारे एजेंडा कैंसिल और भगवान का एजेंडा टिक मार्क। अभी आप जो बोलेंगे हाँ क्या क्या उन्होंने करिष्ये वचनम तव, बीच में क्या हुआ, बीच में सत्य को स्वीकार किया, जो सत्य है वैसे ही उसको स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, थोड़ा डिफिकल्टी हुआ एक्सेप्ट करने में, लेकिन फाइनली एक्सेप्ट किया,
एक्सेप्ट किया तो फिर वो रोम जलना और शरीर जलना, धनुष फिसलना, वो सब बंद हो गया। उसी हाथ से जिसमें से फिसल गया था उसी हाथ से उठाने के काबिल हो गया। उठाया, बाण भी चलाया, खुद के लिए और खुद के एजेंडा के लिए नहीं चलाया, भगवान के एजेंडा के लिए चलाया। ये समझना हमको अल्टीमेटली। यशस्वी क्यों हुआ? अपनी जो अंडरस्टैंडिंग थी सत्य के विषय में वो त्याग दिया, और जो भगवान ने अंडरस्टैंडिंग दिया सत्य के विषय में उसको स्वीकार किया, इसलिए यशस्वी हो गया। इतने बड़े बड़े महारथियों के सामने भी यशस्वी हो गया, क्योंकि जो भगवान ने अपने स्तर पर से जो अंडरस्टैंडिंग दिया, जो ज्ञान दिया, उसको स्वीकार किया उन्होंने। अभी इसमें क्या ज्ञान दिया उन्होंने? अरे तुम कुछ भी करोगे फिर भी इन चक्र में से गुजरोगे, कुछ नहीं कर सकते आप। आगे क्या बताया? धीरस तत्र न मुह्यति। धीर का मतलब क्या है? जो ज्ञानी है, जिसको पता है सत्य क्या है, वो व्यक्ति ये होने वाले बदलों को देकर चकराता नहीं है, वो भ्रमित नहीं होता है, वैसे ही रहता है, उसको पता है ये होने वाला है। गता सुन गता शुमश्च नानु शोचन्ति शोचन्ति पंडितः। अरे जो जा रहे हैं वो जो जन्म ले रहे हैं, दोनों को देखकर ज्ञानी व्यक्ति भ्रमित नहीं होता, वो जानता है कि जन्म लेने वाला भी अनिश्चित है, मरने वाला भी अनिश्चित है, दोनों अशाश्वत है और ये सत्य है, ये होने वाला है, इसको बदल नहीं सकते हम, तो उसे रोना क्या जरूरत क्या है। हाँ भाव प्रेम होगा तो रोते हैं हम लोग, लेकिन एक्सेप्ट करते हैं उसको कि भाई ये मेरे पिताजी गए, अभी नथिंग कैन ब्रिंग हिम बैक, गए निकल के। मैं कितना भी मत्था फोड़ूं और 2 लीटर अश्रु बहाऊंगा फिर भी वो सत्य नहीं बदलने वाला है। या तो उसको आप ज्ञान के आधार पर स्वीकार करो, अपना भाव व्यक्त करो, दुख व्यक्त करो, लेकिन ऐसा सर पीटने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्ट करेंगे, श्राद्ध करेंगे उनका, उनको याद करेंगे, उनके द्वारा जो उनकी विल थी उसको पूरा करेंगे, वो करो आप, लेकिन होने वाली स्थिति को बदलने का प्रयास मत करो, ना बदलेगा नहीं वो। हमारे भी डॉक्टर थे हॉस्पिटल में, अभी भी हैं, उनको पिताजी से इतना प्रेम था और उनको बहुत बड़ा कैंसर हो गया था, तो डॉक्टर थे ना वो, तो सोच रहे कि नहीं नहीं मैं पिताजी को मरने नहीं दूंगा, मैं पूरा बुक्स छान मारूंगा, रिसर्च के एडवांस जितने भी इंटरनेट में आए हैं सब ढूंढ लूंगा और कुछ ना कुछ उसका उपाय करूंगा, क्योंकि इमोशंस ज़्यादा हावी हो रहे थे, ज्ञान थोड़ा दब रहा था, सत्य के विषय में ज्ञान था वो दब रहा था, इमोशंस उस पर हावी हो रहे थे। तो हम लोग बाकी 2-4 लोग बैठे, उनको समझाया, देखो भाई ये है ना, इसमें कुछ निकलने वाला नहीं है, आप कितना भी हाथ पाँव मारोगे ना तो भी ये अपनी ही दिशा में जा रहे हैं आगे। तो उस दिन बहुत रोए वो, क्योंकि अपने इमोशंस को त्याग करके सत्य को स्वीकारना पड़ा, तो उस दिन वो बहुत बहुत रोए और रोने के साथ में इमोशंस को त्याग कर दिया उन्होंने और बोला कि अभी आप जो करना है उचित, जो उचित लगता है वो करो। और कुछ दिन का पिताजी का देहांत हो गया। तो ये किया, प्रॉब्लम क्या है बीच में, जो इमोशंस हावी हो रहे हैं ना वो सब गड़बड़ कर देते हैं, और बाद में वो आप कितने भी इमोशंस हावी हो जाएंगे और प्रयास करते रहेंगे, एंड तक करते रहेंगे, और वो फिर जब डेथ हो जाएगा तो आप टूट जाएंगे फुली, क्योंकि आपके इमोशन इतने हाइप हो गए उसके विषय में कि आप वो सत्य को स्वीकार नहीं कर सकते कि मेरे इतने जोर से प्रयास करने के बाद भी मृत्यु हो गई, कैसे हुई, क्यों हुई, क्यों होना चाहिए, क्या फायदा है मेरे MBBS नॉलेज का, MD नॉलेज का, मेरे रिसर्च का, जो मैं इतना प्रयास किया, मैंने इतना कोशिश किया, कोई वैल्यू नहीं उसकी। ये सब सोचकर आदमी टूट जाएगा पूरा, 10 दिन काम पे ही नहीं जाएगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा उसको। तो सत्य जब कड़वा होता है, अप्रिय होता है, प्रतिकूल होता है, अनुकूल नहीं होता है, और वो आपके सामने आता है तो क्या होता है, पहले शॉक लगता है आपको, अरे ऐसे कैसे हो गया, फिर आप डिनाई करते हो उसको, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल, नहीं हो सकता ऐसे ही, फिर क्रोध करेगा वो, ऐसे क्यों हुआ, वो समझने के बाद में आदमी बार्गेन करेगा, कुछ भी करो उस सत्य को बदली करने के लिए, फिर डिप्रेशन में जाएगा, और बाद में तकदीर अच्छी होगी तो एक्सेप्ट करेगा। लेकिन ये सत्य को जो है ना, जो प्रतिकूल दुखमय सत्य होता है, कठोर सत्य होता है, कटु सत्य होता है, उसको स्वीकारने में ये स्टेप्स हैं, हम लोग सब लोग उसमें से गुजरते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको सब स्टेप्स में गुजरना है। अगर आप ज्ञानी हो, धीरस तत्र न मुह्यति, अगर आप धीर व्यक्ति हो, ज्ञानी व्यक्ति हो, तो आप तुरंत उसको एक्सेप्ट करेंगे, आपको वो माथापोड़ी, गुस्सा, शॉकिंग, डिनायल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डिप्रेशन जाने में कोई जरूरत नहीं है,
इट्स योर चॉइस। अज्ञान में रहकर ये सारे खतरनाक स्टेप में से गुजरो और फिर आपको एक्सेप्ट करना ही है मजबूरी से, वो करो, या तो ज्ञान प्राप्त करो और समझ कर काम करो, और जो भी हो रहा है उसको शांति से एक्सेप्ट करो।